स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रोटी में। आज के एपिसोड साइंस थर्सडे में हम जानेंगे स्टेपर मोटर के बारे में। तो आइए देखते हैं ये कौन सी चीज़ है। तो कोई भी चीज़ को समझने से पहले आपको उसके बारे में ये समझना होगा कि उसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो आप तो जानते ही हैं आपके हार्ड ड्राइव में मोटर है। आपके हार्ड ड्राइव में दो मेन तरह के मोटर, एक है जो डिस्क को रोटेट करता है मैग्नेटिक प्लेटर को, वो एक नॉर्मल मोटर है, उसका बस RPM चेंज किया जाता है। लेकिन दूसरा एक मोटर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, जो कि आपके आर्म को आगे पीछे कर रहा है। नाउ आपको पता है कि कई गीगाबाइट उस प्लेटर में है, तो उस कारणवश उस आर्म को बहुत प्रिसाइसली उस प्लेट में पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है। इसलिए हम लोग इसके लिए स्टेपर मोटर यूज़ करते हैं। प्रिंटर पता है आपको, प्रिंटर में पता है एक रोटेटर रोटेट कर रहा है जिसके ऊपर पेपर चल रहा है। लेज़र प्रिंटर में तो सिर्फ रोलर से ही प्रिंट किया जाता है, और आपका नॉर्मल डेस्कजेट या इंकजेट प्रिंटर से आपके पास एक मोटर है जो एक इंकजेट कार्ट्रिज को घुमा रही है आगे पीछे, या प्रिंट हेड को घुमा रही है। और उसको पता तो होना चाहिए ना कि वो कहां तक गया है। मतलब आपने सिग्नल भेज दिया कि भैया जाओ 1 सेंटीमीटर आगे जाओ, लेकिन गया कि नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा, या आपको ये कैसे पता चलेगा कि मोटर इतना घुमाने पर वो 1 सेंटीमीटर जाएगा। तो ये सब का सोल्यूशन के लिए हम लोग स्टेपर मोटर यूज़ करते हैं। और स्टेपर मोटर का एक खास ज़रूरत है क्योंकि हम लोग ओपन सर्किट चाहते हैं। ओपन सर्किट का सीधा यही मतलब होता है कि आपको बार बार चेक ना करना पड़े। आपने बोला कि देखो उधर जाओ 10 सेंटीमीटर दूर, जैसे मान लिया आपका एक A4 शीट है, आपने बोला कि यहाँ 10 सेंटीमीटर दूर जाओ, क्या वो चला जाएगा? हाँ, स्टेपर मोटर में 99% टाइम में वो चला जाएगा। सर्वो मोटर में हम लोग को फीडबैक लूप लगाना पड़ता है ताकि पता चले कि क्या वो गया कि नहीं गया। तो ये काम कैसे करता है? तो आप ये देखिए कि ये एक DC मोटर है जिसमें एक रोटर है और एक स्टेटर है, और ये DC ब्रशलेस मोटर जैसा ही इसका कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन एक गौर करने वाली बात ये है कि इसके रोटर और स्टेटर दोनों में दांत होते हैं, टीथ। तो आप ये देख सकते हैं एक रफ डायग्राम दिया गया है जिसमें टीथ, ये टीथ का खासियत होता है कि मैग्नेटिक पॉइंट्स वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई कॉइल एक्टिवेट करेंगे तो टीथ चाहेगा कि अलाइन हो जाए, मतलब अलाइनमेंट मैग्नेट चाहता है कि अपने आप को स्टेबल अरेंजमेंट में के लिए वो जाने के लिए अलाइन करेगा। अब अलाइन करने में ट्रिक ये है कि इसका अलाइनमेंट हर समय एक ही जगह पर हो सकता है। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो उसी तरफ अलाइन होगा, तो यहाँ से मिसअलाइनमेंट हट जाएगा, इधर से हट जाएगा, इधर से हट जाएगा। तो जैसे आप ये चालू करेंगे तो अलाइनमेंट दोबारा ये खोजेगा। अगर ऐसा ना किया जाए, आप बोलो कि नहीं मैंने सबको अलाइन कर दिया, तो मोटर तो घूमेगा ही नहीं। घूमने के लिए आपको टॉर्क मोशन चाहिए। वो टॉर्क लाने के लिए आपको ऐसा बनाना होता है कि ये घूमे, ये एक्चुअली कोशिश तो करे बैलेंस में आने का। तो ये हमेशा सिर्फ एक समय पर एक ही जगह पर बैलेंस में रहता, तभी सिग्नल आप इसमें भेजो, थोड़ा सा इधर आया, इसमें भेजिए थोड़ा नीचे गया, फिर इसमें भेजिए, फिर और नीचे आया, इधर भेजिए, ऊपर आने लगेगा। ऐसे से करके इसको इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइव किया जा सकता है। और इसी दांत का अरेंजमेंट का कारणवश स्टेपर मोटर में स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स कुछ भी हो सकता है किसी भी मोटर का। उसमें आप कहीं देखोगे कि 300 स्टेप में आपका ये एक रोटेशन हो रहा है, तो मतलब कुछ डिग्री, मतलब कुछ क्या डिग्री, मतलब 1.07 डिग्री पे आपका ये एक स्टेप है। कोई बोलेगा मोटर की भैया मेरा 360 स्टेप है, तो यानी एक स्टेप जो है जो आप कंप्यूटर से सिग्नल भेजोगे एक स्टेप आगे बढ़ाओ, तो वो एक डिग्री आगे करेगा। तो आप डिग्री से हिसाब लगा सकते हो कि कितना रोटेशन चाहिए। और आप उसको अगर मान लीजिए जैसे ये नट है, नट में आप जान लोगे कि उसको अगर हम इतना घुमाएंगे उस पर जो वॉशर लगाओ कितना आगे पीछे जाएगा। 3D प्रिंटर में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, एक्चुअली इसका सब चीज़ में इस्तेमाल होता है। और इसको आप नॉर्मली किसी चीज़ से नहीं जोड़ सकते, जैसे मान लीजिए आपने स्टेपर मोटर तो इसे प्रिंटर से निकाल लिया, आप इसको डायरेक्टली नहीं चला सकते बैटरी से जोड़ के, आपको एक ड्राइवर चाहिए होगा। ड्राइवर इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और ब्रशलेस मोटर का DC ब्रशलेस मोटर से भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ये उसका बड़ा भाई है समझ लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं। तो फ़ायदा क्या है? सबसे यूनिक बात है, क्योंकि उसका रोटर में आपने देखा दांत है और स्टेटर में भी दांत है, तो इसके पास एक होल्डिंग टॉर्क होती है। तो होल्डिंग टॉर्क का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे आपने मोटर कुछ भी घुमा रहे थे, आप देखते होंगे पंखा को आप रोक सकते हैं, पंखा जैसे घूम रहा है तो आप उसमें हाथ डाल के रोक सकते हैं। टेबल फैन है, टेबल फैन में आप सेंटर पे हाथ डालिए तो आप रोक सकते हैं। आप इसको रोक देंगे तो ये रुकेगा नहीं, और ऐसा मैं बोल रहा हूँ होल्डिंग टॉर्क है, रुक नहीं रहा है, तो उसका मतलब क्या है? इसके पास तो आप बोल रहे हो रोटेशनल टॉर्क है, नहीं, यही इसकी खासियत है। क्योंकि इसका दांत हमेशा एक जगह पे ऑन रहता है, एक जगह पे ऑफ रहता है, तो हमेशा आप उसको फीडबैक दे सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपने एक रोबोट बनाया, इसका हाथ ऐसे कर देना है, लेकिन एक नॉर्मल मोटर आराम से इसको घुमा लेगा, लेकिन आप बोलोगे यहाँ उठा के रोक दो, ये रोक नहीं पाएगा, क्योंकि नॉर्मल मोटर्स के स्टेटर और रोटर बहुत स्मूथ होते हैं, उसमें कोई पीक पॉइंट्स नहीं है जो मैग्नेटिकली होल्ड करें। चूँकि अपने मोटर में तो देखा ही है कि दांत है, तो वो पिक कर लेता है, वहाँ पे उस स्टेबलाइज करने का कोशिश करता है। तो इस कारण से अगर आपका रोबोट का हाथ ऐसे उठा है तो वो उठा रह जाएगा।
जनरली फैक्ट्री में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे मान लीजिए ये कार आप देख रहे हैं लाइन में, कई जगह पे ऐसा होता है कि चैसी को एक रोबोट पकड़ के उठाता है, दूसरा रोबोट उस पर वेल्डिंग करता है, तो उस दरमियान पकड़ के उठाने के लिए, उठाने का ताकत तो सब में आ जाएगा, लेकिन जैसे उठा के आप पोजिशन में वहाँ रुकेगा कैसे, तो जनरली हम स्टेपर मोटर ये काम कर सकता है, रोक सकता है वो आपका, आप कोई भी घुमाए किसी चीज़ को घुमाने में बहुत ताकत लग रहा है लेकिन आपको हुआ कि नहीं रोक दो, रोक लेगा, ये उसका होल्डिंग टॉर्क है। और इसको फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है, जब तक आप एक रेंज में हैं आपके मोटर में लिखा रहेगा कि ये इतना टॉर्क हैंडल कर सकता है, ये इतना वोल्टेज हैंडल कर सकता है, जब तक आप उसके लिमिट में हैं तब तक अगर आप बोले कि 10 पल्स रोटेट करो या 10 स्टेप लो, वो 10 स्टेप लेगा, यही उसका सबसे बड़ा खासियत है। तो मतलब प्रिंटर में फीडबैक नहीं दिया जाता कि ज़रूरी नहीं है, और मतलब जैसे मान लीजिए आप लेज़र कटर बना रहे हैं तो लेज़र फीड में फीडबैक नहीं होता, तो वो आराम से अपना काम करेगा। आप बोलोगे भैया 10 सेंटीमीटर आगे जाओ, उसका ऑब्वियसली इनकोडर अपना काम कर लेगा, बता देगा कि भैया 10 सेंटीमीटर के लिए तुम्हें 6 बार घूमना है, 6 बार घूमने का सिग्नल भेजा जाएगा, वो 6 बार घूमेगा, 6 से 1 बार भी आगे नहीं घूमेगा, 1 बार भी कम नहीं घूमेगा, यही इसकी खासियत है। और ये बहुत सिंपल होता है, मोटर में कोई भी ब्रश नहीं होता, जो आप देखते हैं ना पुराने मोटर में या ड्रिल वाले में जहाँ पे स्पार्क निकलता है पीछे, कोई भी ब्रशेस नहीं होते हैं, तो ब्रशलेस है पूरा, इससे ये बहुत रिलायबल हो जाता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी तो होंगे कुछ, सब चीज़ तो भाई बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर ये मिस कर गया स्टेप, मान लीजिए किसी कारण से इस पर टॉर्क लगा और ये मिस कर गया स्टेप, ड्राइवर को नहीं पता चलेगा कि यार ये मिस कर गया है, इसको दोबारा से चलाओ, ये कमांड मिस कर जाता है। तो आपको यहाँ मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ 3D प्रिंट का, जिसमें आप देख सकते हैं प्रिंट नॉर्मली चल रहा था लेकिन किसी कारण से वो मिस कर गया एक स्टेप, प्रिंट काम करता है, प्रिंटर को तो पता नहीं है कि वो मिस कर चुका है या उसको स्टॉप करे या रीसेट करे, वो कर ही नहीं सकता, कोई फीडबैक ही नहीं है। दूसरा इसका ये मोटर में थोड़ा यूनिक बात है कि अगर आप इसको बहुत तेज़ी से रोटेट करेंगे, मतलब आप कमांड दे दिए ड्राइवर को कि भैया फुल स्पीड में चलो, इसका टॉर्क कम हो जाता है, ये थोड़ा यूनिक बात है इस मोटर का। जनरली सारे मोटर्स के टॉर्क एक ही जैसा रहता है, हाई स्पीड पे थोड़ा सा कम या ज़्यादा होगा या लो स्पीड पे थोड़ा कम ज़्यादा होगा, इसका ख़त्म हो जाने पर आ जाता है हाई स्पीड पर। मतलब अगर आप कोई रोबोटिक आर्म बना रहे हैं जिसको बहुत घूमना है, बहुत दूर आगे पीछे करना है, बहुत ज़्यादा RPM चाहिए, ये नहीं है उसके लिए सूटेड, आपको सर्वो मोटर यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। दूसरा इसका ड्राइवर आसान नहीं है, मतलब आप DC मोटर्स के ड्राइवर जो आते हैं खास करके DC ब्रशलेस के, उससे आप इसको नहीं चला सकते, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। और ड्राइवर का यहाँ मैं आपको कुछ स्कीम्स दिखा रहा हूँ, जो स्कीम यूज़ किए जाते हैं, जो सिग्नल भेजा जाता है मोटर को कि कैसे चलो, ये जनरली साइन वेव है, मतलब वेव फॉर्मेट में है, साइन वेव भी आप भेज सकते हो जिसको हम लोग माइक्रो स्टेपिंग कहते हैं, फिर आप हाफ स्टेप कर सकते हो, फुल स्टेप कर सकते हो, ये हर का बहुत सारे तिगड़म लगाए जाते हैं इसको चलाने के लिए, और हर का कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान है, किसी में टॉर्क बहुत आएगा, किसी में स्पीड ज़्यादा आएगी, किसी में नॉइस कम होगा, हर का अपना तिगड़म है, ये इसके कॉन्स है कि इसके ड्राइवर सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो भविष्य में क्या होगा, भविष्य में हम लोग इसमें इनकोडर ऐड करने लगे, ऐसा नहीं कि आज आप नहीं खरीद सकते, आप खरीद सकते हैं लेकिन ये अभी भी काफ़ी महंगा है। स्टेपर मोटर का दाम तो कोई उतना महंगा नहीं है, लेकिन आपको एक इनकोडर लेना पड़ेगा जो कि टेक्निकली ज़्यादा महंगा चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपको ऐसा ड्राइवर चाहिए जो इनकोडर का डेटा लेगा और उसको ऐड करेगा अपने साथ, क्योंकि अगर वो इनकोडर ऐड नहीं कर रहा है तो पता क्या चलेगा, मतलब मोटर को कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर में आपने सिग्नल भेज रहे हो कि भैया ये रोटेट करो, तो उसको रुकना पड़ेगा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को रुकना पड़ेगा, अच्छा ठीक है तुम वहाँ नहीं पहुँचे, रुक गए, पहुँच गए, हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये कमांड एग्जीक्यूशन में इसके पास एक फीडबैक लूप चाहिए कि इफ़ इट हैज़ रीच द पॉइंट देन गो अहेड, इफ़ नॉट रुक जाओ, जब तक वो वापस नहीं आता। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इनकोडर लगा देंगे आपका मोटर काम करने लग जाएगा, आपको एक ड्राइवर चाहिए जो उसको एक्चुअली इनकोड करेगा कि हाँ भाई कमांड कंप्यूटर ने मेरे को भेजा 10 स्टेप करो, ये मोटर सिर्फ 8 ही कर, मान लीजिए बहुत टॉर्क में है, बहुत फ्रिक्शन हो रहा है, स्टील को काट रहा है, स्टील में बहुत रेजिस्टेंस है, तो ये बोलेगा भैया रुक जाओ, आगे का सिग्नल मत दो, हम इसको दोबारा ड्राइव करते हैं, जब दोबारा ड्राइव किया, जब वो पहुंच गया 10 स्टेप्स, हाँ आप आगे का सिग्नल दो। तो ड्राइवर में काफ़ी तरक्की होनी बाकी है, ऐसा नहीं कि आप नहीं खरीद सकते, आपको बहुत अच्छा ड्राइवर, लेकिन अभी तो लुट जाइएगा, बहुत महंगा है। तो इसलिए जनरली 3D प्रिंटर में फीडबैक सिस्टम नहीं होते और नॉर्मल प्रिंटर में भी नहीं होते, आपके CD ड्राइवर में भी नहीं होते जनरली, लेकिन आपको हार्ड ड्राइव में ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हार्ड ड्राइव एक पूरी तरह से सील्ड सिस्टम में रहता है, तो उसमें एक्सटर्नल कुछ होता नहीं है। तो ये था मेरा एक छोटा सा समरी प्रेजेंटेशन स्टेपर मोटर के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो या समझ में आया हो, मज़ा आया हो तो उस कारणवश लाइक कर दीजिए, नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट लिखिए कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ, तो घंटी बजा दीजिए आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ।
और हमेशा के लिए देखने के लिए शुक्रिया।